जैसा कि हम सभी सोचते हैं कि हमारे पास एक अपना घर हो और हम सभी का ये सपना रहता है कि हमारा अपना घर होना ही चाहिए एक टाइम आने पे, तो आज मैं आपको अपना घर दिखा रही हूँ। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। जो कि मेरा घर अभी पूरी तरीके से तैयार नहीं हुआ है, कुछ काम थोड़े बहुत बाकी रह गए हैं जो कि धीरे धीरे तैयार होंगे, तो वैसा मैं आपको बताती चलूँगी। आप देख रहे हो कि ये हमारे घर का जो है एंट्रेंस, पहले अंदर का ये दरवाज़ा है और उधर ये हमारा गेट है, और अभी इसमें भी कलर होना बाकी है। अभी गार्डन वगैरह सब ऐसे ही बने, वहाँ पे कांच वगैरह खड़ा है जो कि काम और करने के लिए। ये इधर का एक छोटा गार्डन है किचन के पास का, और अभी तो इसको पूरा गार्डन को अच्छे से डेकोरेट करना है, फ्लावर्स प्लांट वगैरह लगाना है, सब वो सब काम तो धीरे धीरे होगा। कांच वगैरह देखिए रखा हुआ है, अभी मैंने दीपक भी जलाने का पूरा अच्छे से सेट नहीं किया है। तो ये मेरा जो है वो घर का दरवाज़ा है, यहाँ से हम एंट्रेंस करते हैं। ये हमारा लिविंग एरिया है, जैसा कि आप देख रहे हो सोफे वगैरह हैं, दो विंडोज घर हैं जिसपे हमने इस टाइप के कर्टन लगाए हैं। ये एक वॉल खाली है जहाँ पे बाद में इसको ग्लास वगैरह कुछ ऐसी इस टाइप के पेंटिंग लगा के सेट करेंगे। आप भी थोड़ा सा आइडिया देना कि किस टाइप की इस जगह पे पेंटिंग हम लगा सकते हैं। ये मेरा डाइनिंग, मतलब ये पूरी एक लॉबी बड़ी सी बनी हुई है डाइनिंग एरिया में। सब देख रहे हो ये जीने पे अभी ग्लास नहीं लग पाया है, और टीवी कैबिनेट भी थोड़ा काम हुआ है और पूरा बाकी है। मैंने ये एरिया यहाँ पे जो है वो अभी तो फिलहाल थोड़ा सा कुछ लगा दिया है, बाकी मैं यहाँ पे छोटे छोटे प्लांट्स लगाऊंगी। और टीवी का जो ये कैबिनेट है ये तो फिलहाल अभी वुडन जो है इसका निकाल दिया गया है, वो ठीक से सेट नहीं हुआ है। और जैसा कि आप ये डाइनिंग टेबल देख रहे हैं हमारा, ये फिर इसके बाद का ये जो इसके नीचे की सीढ़ियों के नीचे कुछ बनाते नहीं हैं, तो हम लोगों ने भी ये छोड़ दिया है। पर अभी यहाँ पे इसको काफ़ी अच्छे से कुछ डेकोरेट करके, जैसे कि मैंने सोचा था कि एक छोटा सा पॉट वगैरह कुछ अच्छा सा रख के, और इस टाइप का मतलब कुछ थोड़ा सा सोच के उसको बाद में बनाएंगे। और यहीं पे जस्ट ये वॉश बेसिन जहाँ पे हैंड वगैरह और इस तरह का मिरर हम लोगों ने सेट किया है, आप देख सकते हैं ये टचिंग वाला मिरर। मतलब जो तैयार है वो तो अच्छा लग रहा है, जो भी नहीं तैयार है, जैसे कि आप ये मेरा आंगन देख सकते हैं, अभी यहाँ ग्लास लगा हुआ है और इस पर अभी पेंटिंग वगैरह करनी, ग्लास पे जैसे कोई डिज़ाइन वगैरह बनाना बाकी है। इस टाइप की चीज़ें टूटी हुई हैं, तो मतलब छोटी छोटी चीज़ें कर लो तो बहुत कुछ अभी बाकी है होना, तो वो मैं आपको बताती चलूँगी जैसे जैसे होगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये सीढ़ियों पे ग्लास बाकी है, और वहाँ पे हम लोगों ने एक झूमर सेट किया हुआ है, वो भी झूमर अभी फिलहाल नहीं लगा है, तो वो और इन चीज़ों को जैसे ऊपर का ये खाली पड़ा हुआ है वहाँ पे ग्लास पेंटिंग लगा के फिट करना है। जैसे मुझे थोड़ी सी उस टाइप की पेंटिंग पसंद है, जैसे राजा महाराजा टाइप की इस टाइप की जो पेंटिंग आती है, उससे तो वो बाद में कुछ सोचेंगे क्या करना है। और ये किचन का एरिया, ये माइक्रोवेव, मैंने ओवन, माइक्रोवेव और हमारा डिशवाशर और जो हमारी चिमनी है वो सारी हमने एक ही कंपनी की ली है। ये टॉल यूनिट दिया है, फिलहाल अभी मैंने इसको कम ही सेट किया है, थोड़ा और सेट कर लूँगी तब मैं आपको बताऊँगी। और ये मटका मेरा रखा हुआ है, हाँ ये हमारा जो मिक्सर ग्राइंडर है वो भी एक ही कंपनी का है। ये ऊपर कैबिनेट दिया हुआ, अभी देखिए यहाँ पे भी काम बाकी है, अधूरा हुआ है, पूरा नहीं हुआ, तो कुछ ना कुछ छूटा है। जैसे यहाँ पे पहले दूसरा चीज़ देने वाले थे, फिर यहाँ पे हम लोगों ने पानी का फिल्टर लगा दिया, अब यहाँ पे पूरा उन्हें लगाना है बस, फिर वो काम बाकी है। जैसे मैंने थोड़ा सा चीज़ें भी सेट की हैं, ज़्यादा नहीं की हैं, कुछ ऐसे लगा दिया है, ग्लास वगैरह, कांच, कॉकरी, कप वगैरह ऐसे थोड़ा थोड़ा सेट कर दिया है। ये मेन कलर तो मेरी पसंद का है फिलहाल किचन के इसका,
कि मुझे ये ग्रीन कलर काफ़ी पसंद आता है, और गैस स्टोव मतलब सेट कर लिया है थोड़ा, और जिन्होंने बनाया है जो उन्होंने अच्छा ही बनाया है। जो थोड़े बहुत चीज़ें बची हुई हैं जैसे डेकोरेट करने की, कि यहाँ यहाँ ये चीज़ रखना है थोड़ा सुंदर बनाने के लिए, तो वो सब तो अभी होता रहेगा और आपको मैं बताती भी रहूँगी। फिर बताऊँगी कि मैंने इस कंपनी का जो है ये चिमनी है ये सब चीज़ें क्यों ली है, वो बाद में बताऊँगी मैं आपको। फिर आगे ये पूरा जो है वो हॉल का एरिया के साथ ही मैंने ओपन किचन रखा हुआ है। तो आइए आगे जो है वो दिखाते हैं आंगन के बाद। ये रूम मेरी मदर इन लॉ का है, यहाँ पे अभी ये भी चीज़ें पूरी नहीं तैयार हुई हैं ना डेकोरेट हुई हैं, खाली जो थोड़ा बहुत तैयार हुआ है उसे आप देख लो। ये लाइट्स वगैरह अभी वहाँ पे लैंप वगैरह लगाने हैं, अभी ये पॉट को भी मैंने सेट करनी है। मैंने ये वाली लाइट अभी दी हुई है यहाँ पे। ड्रेसिंग रूम है इस रूम का, अभी ड्रेसिंग रूम और इस टाइप के वार्डरोब यहाँ पे बने हुए हैं। लाइट्स अभी एक और लगनी बाकी है। ये वॉशरूम है इस रूम का, और यहाँ पे लाइट्स वगैरह ये है। यहाँ पे भी कांच इस टाइप का लगाया गया है, मिरर जो काफी, और ये डोर को हम लोग इसे आंगन से कनेक्ट करके खोल दिया है, तो काफी अच्छा आंगन। और ये चीज है कि किसी को रहना है तो खुला पूरा स्पेस है। तो ये लॉज का रूम है जो कि अभी डेकोरेट करना है। ऊपर की फॉल सीलिंग काफी खूबसूरत इसकी लगती है बहुत ही ज्यादा। और ये हमारे गेस्ट रूम है जो उसमें कि सारा कपड़ा अभी फिलहाल भरा हुआ है, अभी काम वगैरह इसका बाकी है, इसी में सारी चीज़ें भरी हुई हैं हमारी। ये इसमें की फॉल सीलिंग ये है और सामान तो सब भरा हुआ। ये एक ड्रेसिंग है, यहाँ पे सारे डोर को हम लोगों ने ग्लास का ही लगाया है। ये ड्रेसिंग यहाँ की अभी फिलहाल ये इसमें इस टाइप का दिया है, जो सेटिंग वगैरह तो कुछ नहीं है। काफी अच्छा स्टेप बना हुआ है ये खान, ये अलमारी वार्डरोब जो है इसने इन्होंने अच्छा लिया हुआ है। स्टेप का सामान काफी रख सकते हो जो भी, क्योंकि हम लेडीज को क्या है कि हमें थोड़ी जगह चाहती है ज्यादा, कितना भी रहे कम लगता है। तो ये एक है इस तरह का, और ये हमारा वॉशरूम है गेस्ट रूम का, जहाँ पे भी वैसे ही ये वॉश बेसिन इसी टाइप की बनी हुई है, वुडन का हमने लिया है। ये ग्लास भी ऐसे टच वाला है, ये लाइट्स चल गया, लाइट्स काफी अच्छा लग रहा है देखने से। और ये डोर एक है जो बाहर को खुलता है, फिलहाल ये ऊपर से जाएंगे स्टेयर्स हैं, सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। चलिए अब तो मैं धीरे धीरे आपको बताऊंगी। ग्लास लगना बाकी है, मेन डेकोरेशन बाकी है, क्योंकि हम लोगों को ये था कि 3 मई को ही अक्षय तृतीया के दिन गृह प्रवेश करना है, तो जो बाकी बचा काम जैसे था वैसे ही छोड़ के हम लोगों ने फटाफट गृह प्रवेश कर लिया। ये था कि चलो जब हम लोग आ जाएंगे तो काम धीरे धीरे होगा, पर वही थोड़ा सा काम क्या इतना टाइम लग जाएगा कि आज 3-4 महीना होने जा रहा है। हम लोग को ये पता ही नहीं चला कि ये थोड़ा सा काम ना ज़्यादा फैल जाएगा, तो खैर कोई नहीं। तो अब जब आ गए धीरे धीरे वो सभी बचे हुए काम हो ही जाते हैं। हम सब क्या सोचते हैं कि जैसे चलो ये काम है थोड़ा ही है हो जाएगा, लेकिन वो काम इतना बड़ा लगने लगता है बाद में कि पता ही नहीं चलता है। खैर अब आपको अभी ऊपर का दिखाना है, तो फिलहाल वो तो दूसरे ब्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगी। तो आपको ये कैसा लगा ये ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। फिलहाल कुछ आइडियाज़ भी मुझे दीजिएगा कि कैसे क्या मैं डेकोरेशन कर सकती हूँ, मेरे अपने दिमाग से जो थोड़ा बहुत आता है वो मैं कुछ कर लेती हूँ। फिलहाल अभी तो मुझे बहुत करना बाकी है। दूसरे अगर आपके पास कोई आइडियाज़ हो तो वो आप ज़रूर बताना मुझे, और ये चीज़ कि मैं क्या चीज़ थोड़ा इसमें इम्प्रूव कर सकती हूँ चीज़ों में,
तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक आप मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। फिलहाल अगर आपने नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ दोस्तों आप फटाफट मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो या नेक्स्ट ब्लॉग के लिए बाय बाय। आप हैप्पी रहो और हेल्दी रहो।